नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ कि आज मैं सभी के लिए क्या नाश्ता मैं बनाऊंगी और कान्हा जी के लिए क्या भोग बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि आज आलू की पराठा और चटनी, आम की चटनी बनाऊं। चलिए मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आम मैं काट के रख ली हूँ, अब मैं इसका चटनी बनाने जा रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े में आम को मैं काट कर रखी हूँ और इसे छौंक लगाने के लिए जीरा और लाल मिर्च रख दी हूँ। अब मैं इसे जा रही हूँ बनाने। इसमें चीनी डालना है। सबसे पहले मैं तेल गर्म कर ली हूँ, इसमें मैं फ़ौरन डालूँगी जीरा और लाल मिर्च का। अब इसमें मैं आम डाल दी, इसे मैं भूंज लूंगी। ये देखिए, सेंधा नमक, काला नमक जो होता है वो मैं डाल रही हूँ। ये मैं कान्हा जी का भोग के लिए भी बना रही हूँ, इसे मैं इसमें से मैं उनके लिए निकाल लूंगी। एक खट्टा मीठा चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। एक गुड़ डालकर बनती है, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। देखिए, इसमें आवश्यकता अनुसार चीनी डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसमें पानी भी डाल दी हूँ। देखिए, चटनी बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ आलू की पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, मैं ये आटा सभी के लिए आटा लगा रही हूँ और इधर सभी का नाश्ता के लिए मैं आलू भून ली हूँ। इसमें प्याज डाला हुआ है और ये कान्हा जी के लिए अलग आलू उबाल रही हूँ। मैं उनके लिए बिना लहसुन प्याज का अलग से भूनूंगी। देखिए, सभी का नाश्ता मैं बना दी हूँ। अब मैं कान्हा जी का बनाने जा रही हूँ। अब मैं कान्हा जी का बना रही हूँ नाश्ता। इसके आगे का क्लिप मिस हो गया है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। अब ये उनके लिए भोग की तैयारी हो रही है। उनके लिए आलू की पराठा मैं बना रही हूँ। सभी का नाश्ता बन गया है, सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं। अब मैं उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। आलू की पराठा और चटनी का भोग मैं कान्हा जी को लगा दूँगी। सुबह का नाश्ता बन गया है, सभी लोग नाश्ता कर लिए और मैं कान्हा जी को भोग भी लगा दी हूँ। अब आगे दोपहर का मैं तैयारी करने जा रही हूँ। अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। आइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। और ये देखिए, मैं दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैं दाल बनाने के लिए चढ़ा दी हूँ, एक तरफ चावल, और दाल चावल बनेगा और दोपहर में ये पटल का मसल भरुआ बनेगा। इसमें मसाला भूनकर भरा जाता है और इसे उबाल दिया जाता है। आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ये आप लोगों को कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।